हर हिंदुस्तानी के मन में आजादी का रंग डोला था, लहू सींचा था तब जाकर केसरी रंग सर पर चढ़ा था। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं केसरी रंग के ऊपर, ऑरेंज कलर के ऊपर। तो ये हमारी न्यू सीरीज चल रही है बिजनेस का लोगो कौन से कलर का रखे, कौन सा कलर सिलेक्ट करे बिजनेस लोगो का, तो उसके ऊपर ये सीरीज चल रही है। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑरेंज कलर के ऊपर। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विराज वास्तु वाला चैनल में। तो ये हमारी न्यू सीरीज चल रही है बिजनेस का लोगो कौन से कलर का रखे, एस्ट्रोलॉजी से और वास्तु से कैसे सिलेक्ट करें, कैसे कंबाइन करें उसके ऊपर। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी येलो कलर के ऊपर, आज हम बात करने वाले हैं ऑरेंज कलर के ऊपर। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो येलो कलर के ऊपर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो हम जानते ही है बिजनेस लोगो, बिजनेस का नाम वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप येलो कलर का वीडियो है जो हमने पहले बनाया था उसके ऊपर जाकर आप ये पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि बिजनेस का लोगो है वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करता है, तो वो क्यों मेजर है, तो उसके ऊपर हमने बहुत डीप में चर्चा की थी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऑरेंज कलर के बारे में। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से है तो आप जानते ही होंगे कि ऑरेंज कलर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, सन है वो ऑरेंज कलर को रूल करता है। तो पहले हम समझेंगे कि सन है वो कौन सी चीजों को रूल करता है, उसके बाद हम ऑरेंज कलर की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो सन है वो सारे ग्रह में सन को किंग माना जाता है, किंग यानी लीडरशिप कह सकते हैं, और किंग है तो प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं, सेफ्टी भी कह सकते हैं। सन है वो गवर्नमेंट को भी रूल करता है, गोल्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। सन है वो हमारी आईज को रिप्रेजेंट करता है। सन है वो एलोपैथिक मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है। सन है वो पेशेंस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बॉडी में हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। सन है वो करेज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अब हम देखते हैं ऑरेंज कलर की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो ऑरेंज कलर है वो दर्शाता है सिक्योरिटी को, करेज को, फ्रेंडली एंड चीयरफुल फीलिंग्स को। ऑरेंज कलर है वो कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, हाई एनर्जी को दर्शाता है। ऑरेंज कलर है वो हैप्पीनेस को दर्शाता है, कड़क अनुशासन को दर्शाता है। ऑरेंज कलर है वो बैलेंस को भी दर्शाता है। ऑरेंज कलर है वो स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है। ऑरेंज कलर है वो सोशियबल थिंग्स को दर्शाता है। ऑरेंज कलर है वो सोसाइटी को दर्शाता है। और ऑरेंज कलर है वो एडवेंचर को भी दर्शाता है। तो वैसे तो ऑरेंज कलर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक है, सन है वो भी बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, पर सारी चीजें वो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं ऑरेंज कलर के बिजनेस लोगों के ऊपर। तो JBL का कलर है वो ऑरेंज कलर का है जो एंटरटेनमेंट को दर्शाता है। आपने फेंटा का लोगो देखा होगा तो उसमें भी ऑरेंज कलर है जो चीयरफुल थिंग्स को दर्शाता है। आपने हार्ली डेविडसन बाइक का लोगो देखा हो तो उसमें भी काफी ज्यादा ऑरेंज कलर है, तो उसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये ऑरेंज कलर लोगो है। तो हार्ली डेविडसन है वो एक यूनिक चीज को दर्शाता है। तो ऑरेंज कलर है वो कौन से बिजनेस में रखना चाहिए उसकी अगर मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी रिलेटेड कोई सर्विस अगर आप दे रहे हैं तो उसमें ऑरेंज कलर का लोगो रख सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से जुड़े हुए वर्क कर रहे हैं तो उसमें आप ऑरेंज कलर का लोगो रख सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट टेंडर पास करवाना, गवर्नमेंट्स के टेंडर लेने। अगर आप एंटरटेनमेंट बिजनेस से जुड़े हैं तो उसमें भी आप बिजनेस का लोगो है वो ऑरेंज कलर का रख सकते हैं। अगर आप आपके कस्टमर को कोई यूनिक चीज दे रहे हैं, आपका बिजनेस है वो कोई यूनिक स्पेसिफिक क्रिएटिव चीज का है, जैसे हार्ली डेविडसन है तो वो उसकी बाइक है वो एक यूनिक चीज है, वो ज्यादा कस्टमर को वैल्यू देता है, तो उसमें भी अगर आप आपके बिजनेस का लोगो है वो ऑरेंज कलर में रख सकते हैं तो बहुत अच्छा आपको फेवर मिलेगा। अगर आपकी फार्मा कंपनी है तो आप मेडिसिन में जो बाहर का जो लेयर रहता है, बाहर का जो रैपिंग रहता है, तो वो आप ऑरेंज कलर में कर सकते हैं। काफी मेडिसिन में आपने देखा होगा कि ऑरेंज कलर का रैपिंग है और वो मेडिसिन ज्यादा मार्केट में चलती है, तो उसमें आप ऑरेंज कलर का रैपिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये कुछ बिजनेस के बारे में बताया, मैं सारे बिजनेस को कवर नहीं कर सकता क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे बिजनेस मार्केट में है, तो बहुत सारे बिजनेस को मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता। अगर आपको आपके स्पेसिफिक बिजनेस के बारे में मुझे पूछना है तो आप मुझे डायरेक्टली फोन कर पूछ सकते हैं, मेरा फोन नंबर नीचे दिया गया है। तो अब सन प्लेनेट है वो ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको दूसरी चीज क्या करनी है,
तो दूसरी चीज, आपको आपकी कुंडली है उसमें सन प्लेनेट को देखना है। आपकी कुंडली में सन प्लेनेट अगर अच्छा है तो आप जो भी ये सन रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको 100% सक्सेस मिलेगी। उसके लिए आपको जो एस्ट्रोलॉजी एडवाइस दे रहा हो उसके पास जाकर आपको आपकी कुंडली दिखानी है और उसको पूछना है कि मेरा सन है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है मेरी कुंडली में या खराब रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका सन है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है तो आप 100% मैंने जो भी बिजनेस बताया वो कर सकते हैं और उसमें ऑरेंज लोगो डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई एस्ट्रोलॉजी एडवाइज़र नहीं है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया गया है। अब लास्ट चीज़ बात करूँ तो न्यूमरोलॉजी, तो न्यूमरोलॉजी है वो मेजर पार्ट है। तो उसमें आपको क्या करना है, आपका बिजनेस नाम जो भी हो उसको आपको हार्मनी में लाना है। तो उसके लिए आपको एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी, या तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप साइड में एग्जांपल देख सकते हैं बिग बॉस का है। तो बिग बॉस में बिग बॉस का स्पेलिंग होता है वो BIGBOSS होता है, पर यहाँ पर ये लोग लिखते हैं BIGGOSS। तो ये एक जी ज़्यादा लिखने का कारण सिर्फ न्यूमरोलॉजी है। और ये बिग बॉस जो जिनका है उन्होंने ये एक जी एक्स्ट्रा डालकर ये नाम है वो न्यूमरोलॉजी से हार्मनी में किया है। तो आपको आपका बिजनेस नाम है वो न्यूमरोलॉजी से हार्मनी में करना है। तो मैंने तीन चीज़ आपको बताई, पहली ऑरेंज कलर लोगो, कौन सा प्रोफेशन हो तो ऑरेंज कलर रखना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको कुंडली देखनी है। और तीसरी लास्ट चीज़ आपको न्यूमरोलॉजी से आपका नाम है वो हार्मनी में करना है। ये तीन चीज़ आप फॉलो करोगे तो आपके बिजनेस में मैं आपको गारंटी देता हूँ ट्रमेंडस ग्रोथ आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम बात करेंगे रेड कलर है वो कौन से बिजनेस लोगों में रख सकते हैं। तो जैसे मैंने आपकी मदद की वैसे आपको मेरी एक मदद करनी है, आपको मेरी चैनल है वो सब्सक्राइब करनी है, और जो भी लोग बिजनेस से जुड़े हैं आपको ये वीडियो है उन तक फॉरवर्ड करना है। कर भला तो होगा भला। धन्यवाद दोस्तों।